किसकी हिम्मत नहीं है ये बुर्के को छीनने की। वो आज एक लड़की के साथ हुआ, वो आजकल हमारे साथ भी हो सकता। कभी एनआरसी आ रहा, कभी बुर्के के आते, कभी तीन तलाक के लिए, हर बात में मुसलमान को टारगेट करते। हमारे को तुम मत बताओ कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। हम अंदर से कुछ भी पहन के पर बाहर से हम मुसलमान दिखते, हमको पसंद है हम वो कर रहे। हमारा सुन्नत तरीका हम छोड़ नहीं सकते। मुसलमान पे क्यों पाबंदी है? मुसलमान के तुम्हारे करीब तो करेंगे जायदाद देखिए, तुम उस पर जो बोले वो जब बोले जब हुकूमत करेंगे। मुसलमान 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 क्या कर रहे हैं? आपको कुछ तकलीफ दे रहे क्या मुसलमान? कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणाचं लोण आता महाराष्ट्रातही येऊन पोहोचलंय। पुण्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आलंय। ऐतिहासिक महात्मा फुले वाड्यात झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं मुस्लिम महिला सहभागी झाल्या होत्या। कधी एनआरसी, कधी ट्रिपल तलाक, तर कधी बुरखा, अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार मुस्लिम महिलांना टार्गेट का करते असा सवाल या महिलांनी उपस्थित केलाय। पाहूयात या महिला काय म्हणाल्या। हम बुरखे के लिए आंदोलन करने बैठे हैं और हमें हमारा बुरखा चाहिए, और हमें बुरके को छीनने के लिए कोई मतलब किसकी हिम्मत नहीं है ये बुरके को छीनने की। लाखों करोड़ों के लोगों में हम ये बुरका पहन के गए तो ये समझेंगे कि हाँ ये मुस्लिम है और ये हम लड़ने आए हैं, पर ये जो छीन रहे हैं वो सही नहीं है और ये हम छीनने नहीं देंगे हम लोग। और हम ये बुरका पहनने जाएंगे, कभी कॉलेज में यूनिफॉर्म हुआ था तो हम वो पहन के गए होते थे, पर कुछ नहीं है तो हम बुरका पहन के जाते हैं। और हमारे इस्लाम में बुरका एक सुन्नत है और वो सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं। और जो बुरका है वो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे हमको छुपाती है, और ऐसा कुछ भी पहन सकते हैं, हम जीन्स पहन सकते हैं, हम बुरका पहन सकते हैं, हम जीन्स टॉप पहन सकते हैं, हम सब पहन सकते हैं, पर हमें ये पहनना है तो हमें ये कौन रोक नहीं सकता ना पहन। हम अंदर से कुछ भी पहन के पर बाहर से हम मुसलमान दिखते हैं। सर ये हमारे बुरके पे पाबंदी लगा रही है और हमको ये होने नहीं देना है, और ये हमारी हुजूर की सुन्नत है और ये हम कायम रखना चाहते हैं। वो आज एक लड़की के साथ हुआ, वो आजकल हमारे साथ भी हो सकता, और इधर लड़ने वाले उसने आवाज़ उठाई उसको हमको सपोर्ट करना ज़रूरी है। आज हमारे बुरके पे बात बनाए, कल पगड़ी पे बात बनाएंगे, परसों बोलेंगे हिंदू औरतों को टिकली मत लगाओ, तो ये हो सकता है कि सर? नहीं हो सकता, तो हमको बुरका पहनना है और इसके लिए हम लड़ेंगे। मेरा बोलना है क्या हमारे को तुम मत बताओ कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। बुरके की जैसी बात है तो बुरका हमारे इस्लाम में हुक्म है और पहले से बुरका पहना जाता है, तो हम बुरका नहीं छोड़ सकते। जब हमको इसे पहनने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, जब हम खुशी खुशी हमारे हुक्म को पूरा करने वाले हैं, तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? आप बेशक खुले फिरिए, कैसे फिरना वैसे फिरिए, हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप दूसरों पर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जिसको नहीं पहनना है बेशक ना पहने, हमें पसंद है हम तो पहनेंगे ना, हमें तो हुक्म जिंदा करना है ना। इंसान कितना रहेगा रह रहे के 60-70 साल, हमारा जो हुक्म है, हम हर जात के लोग अपना अपना जो रहता है उनका वो तो पाबंद रहते ही है ना। आप ज़बरदस्ती करोगे कि ये मत करो वो मत करो, आज हमारे बुरके पे बात निकली, कल बोलेंगे आप साड़ी मत पहनो, परसों बोलेंगे आप ये मत करो, तो क्या वो आपके हुक्म के ऊपर चलेंगे क्या? यानी हमारा कुछ नहीं है, सब आपके ऊपर ही चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमको पसंद है हम वो कर रहे। बुरका क्यों पहनते हो? पहली बात तो ये है कि आज के जमाने में हमको बुरका पहनना बहुत सही लगता, क्यों कि आज का जमाना ऐसा है कि चलती हुई लड़कियों को छोड़ रहे नहीं तो हम देशों को क्या छोड़ेगा? हाँ, जब एक बच्ची स्कूल से जाती है तो उसको 4-5 लड़के रुक के सिट्टी बजाते, हमारे माहौल में भी होता है वो सब, तो हम बुरका नहीं पहनेंगे तो क्या करेंगे लोग हमारे साथ? जब बुरका पहन के ये हाल है कि सिट्टी भी बजा रहे हमारे पीछे चल के, हाँ, तभी ये बुरका नहीं पहनेंगे तो और क्या होगा? और जब औरत बिगड़ जाएंगी तब बोलेंगे ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ये कारण हमारा बुरका पहनने का सबसे ज्यादा ये भी है और सबसे बड़ा ये भी है कि हमारा सुन्नत तरीका हम छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि ऐसे जो बेशरम लोग रहते हैं ना, इनके सेफ्टी के लिए भी हमको पहनना। कोरोना की बीमारी आई, कोरोना की बीमारी में क्या बताया कि बोले मास्क लगाओ, हाथ जा दो, पूरा प्लास्टिक का यूनिफॉर्म पहनो, ये तो है ना। कोरोना वाले को तुम इतना सब छूट दे रहे, ये पहनो वो पहनो, मुसलमान पे क्यों पाबंदी है? मुसलमान के तुम्हारे करीब करेंगे जायदाद है क्या? तुम उस पर जो बोले वो जब बोले जब हुकूमत करेंगे। मुसलमान का हक है ये बुरखा, मुसलमान का हक है बुरखा, और मुसलमान ये बुरखा छोड़ नहीं सकते। मुसलमान क्यों टारगेट है? मुसलमान हर बात में तो मुसलमान को टारगेट कर रहे, क्यों, क्या वजह है? क्योंकि तो कभी एनआरसी आ रहा, कभी बुरके के आते, कभी तीन तलाक के लिए, हर बात में मुसलमान क्यों टारगेट है? मुसलमान आपको तकलीफ देते क्या? मुसलमान अपनी जगह पे ठीक है, आपको क्या करना है मुसलमान?
कभी एनआरसी के वजह से मुसलमान को तकलीफ, कभी पुरखे के वजह से, कभी तीन तलाक के लिए, क्यों, वजह क्या है? मुसलमान आपको कुछ करते है क्या? नहीं ना। पर आप अपनी जगह पे रहे, मुसलमान को अपनी जगह पे रहने दो ना। मुसलमान 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 क्या कर रहे हैं? आपको कुछ तकलीफ दे रहे क्या? मुसलमान हर बात में मुसलमान को टारगेट करते हैं, दंगा कराने में मुसलमान हिंदू मुस्लिम का दंगा करा बार बार, ये क्यों ऐसा?